वर्षों से इस मंदिर के अंदर दिखता है अजगर सांप। इलाके में लोग इस विशालकाय सांप को बुलाते हैं अजगर दादा। अजगर दादा का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आखिर क्या सच में अजगर बाबा तीनों देवताओं की करते हैं सेवा? नमस्कार, मैं राजेश, आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। एमपी के सागर में एक सांप है जो हर कुछ वर्षों में एक मंदिर में दिखाई देता है। इसे लेकर इस इलाके में कई तरह की चर्चाएं होती हैं। अजगर सांप के दिखने के बाद लोग बागराज हर सिद्धि माता मंदिर में नाग की पूजा करने के लिए कतार में लग रहे थे। अब अजगर के इर्द गिर्द कई कहावतें घूम रही हैं। जंगली अफवाहें हैं कि ये 40 फीट लंबा है, जबकि भारत में पाए जाने वाले रॉक अजगर की लंबाई इसका आधा भी नहीं होता। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि सांप बहुत छोटा है, निश्चित रूप से एनाकोंडा की लंबाई के करीब कहीं नहीं है। वहीं 3 और 4 नवंबर को मंदिर में अजगर देखा गया। इसके बाद मिथ को और बल मिला है। शनिवार को भी मंदिर में कतारें दिखाई दी, लेकिन अजगर नहीं दिखा। भक्ति से अजगर बाबा कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजगर मंदिर में और उसके आसपास पहरेदार के तौर पर रहता है। कुछ का ये भी मानना है कि ये एक पूर्व पुजारी की आत्मा है। वहीं बीटेक स्टूडेंट और वर्तमान पुजारी पुष्पेंद्र पाठक के बेटे अर्पित ने कहा कि हमने इसे 2017 में आखिरी बार देखा था। अजगर बाबा को गुरुवार और शुक्रवार को भी देखा गया। अर्पित और उसके दोस्त ने एक वीडियो शूट किया जो अब वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोग साल में एक दो बार देख ही लेते हैं। मंदिर के करीब कई गुफाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गुफाएं दो मंदिरों को जोड़ती हैं। बागराज में हर सिद्धि माता मंदिर और रानगीर गांव में अगंध देवी मंदिर है। रानगीर का मंदिर सबसे पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि यहां स्थानांतरित होने से पहले देवता को शुरुआत में वहां रखा गया था। अजगर बाबा तीनों देवताओं की सेवा करती हैं। पुजारी के बेटे ने कहा कि मेरे पिता की उम्र जब 4 साल की थी, तब से वह मंदिर की सेवा कर रहे हैं। जब तत्कालीन पुजारी अयोध्या दास जी महाराज का निधन हो गया था, अपनी मृत्यु से पहले बूढ़े महाराज जी ने मेरे पिता से कहा था कि वह सांप के रूप में देवता की सेवा करना जारी रखेंगे। यहाँ सांप बहुत आम है। यहाँ रात में सिर्फ पुजारी ही सोते हैं, मैं भी नहीं। अगर कोई और वहां जाता है तो एक काला कोबरा दिखाई देता है और उसे डराता है। अर्पित ने कहा कि जिस जगह पर मंदिर स्थित है उसे बागराज के रूप में जाना जाता है। पहले कहा जाता था कि बाघ मंदिर की रखवाली करते हैं। हालांकि अजगर की लंबाई को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अभी तक किसी ने इसे पूरे तरीके से नहीं देखा है। इस बार भी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सिर्फ मुंह और शरीर का हिस्सा आप देख सकते हैं।